सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य राज और आप देख रहे हैं हाईटेक कम्युनिटी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बताया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप क्रोम ब्राउजर में अगर आपका जो इंटरनेट वो चल नहीं रहा है तो उसको किस तरह से फिक्स कर सकते हैं। लेकिन गाइस, उसी वीडियो में मेरे को काफी सारे कमेंट्स आए कि भैया हमारा जो प्ले स्टोर ऐप है उसमें इंटरनेट चल ही नहीं रहा, हमारे दूसरे ऐप में इंटरनेट चल रहा है लेकिन प्ले स्टोर ऐप में इंटरनेट नहीं चल रहा है। तो मैंने काफी सारे लोगों को बताया था कि सेम प्रोसेसर कर लो, आपका जो इंटरनेट का जो प्रॉब्लम है फिक्स हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, काफी सारे लोगों का फिक्स हो भी गया लेकिन काफी सारों का फिक्स नहीं हुआ। अब दोस्तों, जिन लोगों का फिक्स नहीं हुआ उन लोगों को मैं यहाँ पे बता दूं दोस्तों कि वो प्ले स्टोर का भी प्रॉब्लम हो सकता है और आपके इंटरनेट का भी प्रॉब्लम हो सकता है। अगर दोस्तों आपके फोन में सारे ऐप्स में इंटरनेट चल रहा है, सिर्फ प्ले स्टोर में नहीं चल रहा है, तो इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फोन में दूसरे ऐप्स में भी नहीं चल रहा है, प्ले स्टोर में भी नहीं चल रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका जो इंटरनेट है वो चल ही नहीं रहा है। उसको कैसे फिक्स करना है वो मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि हमारा सिर्फ और सिर्फ प्ले स्टोर ऐप में जो इंटरनेट है वो नहीं चल रहा है, तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखते रहना। आज के इस वीडियो में जितने भी तरीके हैं प्ले स्टोर ऐप को फिक्स करने का सारे ही मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद दोस्तों, आपका जो प्ले स्टोर का इंटरनेट प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बढ़ते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, अभी हम आ चुके हैं हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको चेक कर लेना है कि आपका इंटरनेट दूसरे ऐप्स वगैरह में चल रहा है या फिर नहीं। तो इसके लिए आप YouTube को ओपन कर सकते हैं, Instagram को ओपन करके आप एक बार देख लेना कि आपका इंटरनेट जो है वो चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ये चल रहा है। तो दोस्तों, अगर आपके प्ले स्टोर में इंटरनेट नहीं चल रहा है, खुलने के बाद वहाँ पर आपको एरर आ रहा है कि यहाँ पर इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है आपका प्ले स्टोर, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको अपने प्ले स्टोर को ऐसे होल्ड करके रखना है। उसके बाद यहाँ पे आई का बटन बन के आ जाएगा या फिर ऐप इन्फो नाम का वहाँ पे बटन लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये नहीं मिलता तो आपको क्या करना है, आपको उसको अपने फ़ोन के सेटिंग्स में चले जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फ़ोन का सेटिंग्स ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों, अगर यहाँ पे अगर आप नीचे देखो तो यहाँ पे आपको एक ऐप्स नाम का यहाँ पे सेटिंग दिया गया है, आपको इसमें चले जाना है। उसके बाद आपको मैनेज ऐप्स के अंदर चले जाना है। अब यहाँ से आपका जो प्ले स्टोर ऐप है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों, इस सेटिंग में आने के बाद आपको क्या करना है, मैं आपको ध्यान से देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, रिस्ट्रिक्ट डेटा यूसेज जो है यहाँ पे दोस्तों, ये टिक लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। अगर नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पे लगा दीजिए, उसके बाद ओके के बटन पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो हो सकता है आपका जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाए। अगर फिर भी फिक्स नहीं होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली क्लियर द डेटा के ऊपर क्लिक करना है। क्लियर ऑल द डेटा के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे ओके के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद भी अगर आपका जो प्ले स्टोर है उसमें इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे इसके जो अपडेट्स हैं, हो सकता है उस नए अपडेट में आपका जो प्ले स्टोर का वर्जन है वो मिसमैच हो जाए। तो इसको फिक्स करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे अनइंस्टॉल अपडेट्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे ओके के बटन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना जो प्ले स्टोर का ऐप है उसको ओपन करके देख लेना है कि आपका जो इंटरनेट वो चल रहा है या फिर नहीं। तो यही थे दोस्तों कुछ पॉसिबल तरीके। अगर दोस्तों फिर भी इंटरनेट आपके फोन में नहीं चल रहा है यानी कि प्ले स्टोर में नहीं चल रहा है, तो ये आपके प्ले स्टोर का प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके इंटरनेट का प्रॉब्लम है, ठीक है, जो कि मैं आने वाले वीडियोस में आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आया, और पसंद आया तो इसको लाइक जरूर से कर दे और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि दोस्तों आने वाले आप ऐसी वीडियोस वगैरह देख पाओ। साथ ही साथ दोस्तों, मेरे को इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।